इस हफ्ते थिएटर में रिलीज हुई है मल्टीकास्ट फिल्म द मुंबई सागा। वैसे तो इंडिया में ये फिल्म 19 को रिलीज होने वाली है, लेकिन दुबई में एक दिन पहले मतलब 18 को ये रिलीज हुई है, तो हमने थिएटर में जाके ये फिल्म देख ली है। और आपके लिए इस वीडियो में हम इस फिल्म के कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट्स बताने वाले हैं, ताकि आप लोग डिसाइड कर सके कि ये फिल्म आपका कीमती समय डिजर्व करती है या नहीं। तो स्टोरी शुरू होती है 1980s के मुंबई में, जहां गैंगवॉर दिखाया है और छोटे मोटे गुंडे लोगों के मन में अपना एक खौफ, एक डर बनाकर मुंबई पे राज करते हैं। जॉन अब्राहम ने अमर नाम के लड़के का रोल अदा किया है, जो एक सीधा साधा लड़का होता है और बाद में वो एक डॉन बन जाता है। स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है, वही सारी चीजें जो हमने पहले ही देख ली है। कोई एक मिडिल क्लास लड़का होगा, फिर कुछ गुंडे उसको परेशान करेंगे और फिर वो अकेला लड़का सब गुंडों को मारेगा, और उसकी ये हिम्मत देखकर फिर मुंबई के किसी बड़े पॉलिटिशियन का सपोर्ट इस लड़के को मिलेगा और फिर ये भी मुंबई पे राज करेगा। मूवी में महेश मांजरेकर ने एक बड़े पॉलिटिशियन का रोल अदा किया है, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो मुंबई पुलिस और गुंडों को अपने जेब में रखता है और किसी के बाप की भी नहीं सुनता। महेश मांजरेकर ने वो रोल बहुत ही अच्छे तरीके से अदा किया है। मूवी के फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक्शन है और पूरा स्क्रीन टाइम जॉन अब्राहम के लिए दिया गया है। मूवी के सेकेंड हाफ में इमरान हाशमी की एंट्री होती है और थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ने लगता है। मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, 1980s का एरा अच्छे तरीके से क्रिएट किया गया है। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फाइटिंग सीन्स बहुत अच्छे हैं और मूवी के सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस, महेश मांजरेकर ने गजब का कैरेक्टर प्ले किया है। इमरान हाशमी ने हर बार की तरह अपने डायलॉग से सबको इम्प्रेस किया है। फिल्म में कम स्कोप होने के बावजूद रोहित रॉय और प्रतीक बब्बर ने अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया है। मूवी में सुनील शेट्टी भी हैं, लेकिन उनका रोल कुछ मुझे खास नहीं लगा। अमोल गुप्ते हमें निगेटिव रोल में नजर आते हैं, उन्होंने एक्टिंग काफी अच्छी की है, लेकिन विलेन के रोल में वो थोड़े कम लगे। अब बात करते हैं लीड रोल की, जॉन अब्राहम। उनकी एक्टिंग हर बार की तरह लिमिटेड लगती है। कुछ देर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप मन्या सुर्वे देख रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है आजकल जॉन अब्राहम को टाइपकास्ट करते हैं। कोई भी गुंडागर्दी का या फिर एक्शन थ्रिलर सीन हो, फिल्म हो, उसमें जॉन अब्राहम होता ही है। इस फिल्म की निगेटिव चीज़ ये है कि उसका स्टोरी और स्क्रीन प्ले, हमने बॉलीवुड में मुंबई के गैंग वॉर, गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, खून खराबा, सेम स्टोरी बहुत बार देखी है, और इस फिल्म में भी बहुत सारे वही कॉमन पॉइंट्स हैं। जैसे कि मुंबई के ऊपर फिल्म है तो गणपति बापा के ऊपर एक सॉन्ग, जब पुलिस डॉन को पकड़ने जाती है तब हर बार की तरह एक आइटम सॉन्ग, और हर एक चीज़ जो बॉलीवुड में मुंबई क्राइम स्टोरी के ऊपर कॉमन है वो इस फिल्म में है। और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना वीक है कि आपको लगेगा कि ये फिल्म ऐसे ही 3-4 घंटे चलती रहेगी तो भी कुछ एंडिंग ही नहीं होगी। तो ओवरऑल हम इस फिल्म की रेटिंग देते हैं स्टोरी लाइन और एग्जीक्यूशन के लिए 2 स्टार, स्क्रीन प्ले के लिए 2 स्टार, कास्टिंग एंड परफॉर्मेंसेस के लिए 3.5 स्टार, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जो मुझे काफी अच्छा लगा सो मैं दूंगी 3.5 स्टार, डायरेक्शन और सेट डिजाइन के लिए दूंगी 3 स्टार। लेकिन ये था मेरा रिव्यू। ये रिव्यू जानने के बाद आप लोग डिसाइड करें कि 2 घंटे की ये फिल्म आपका कीमती समय डिजर्व करती है या नहीं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहेंगे। धन्यवाद।